तो दोस्तों, आप ये देख रहे हैं व्यू, ये है आपका आईआईटी पालकड़ के नियर बाई प्लेस का व्यू। आज सुबह सुबह मैंने मॉर्निंग वॉक पे निकल गया था और अभी मैं अपना कॉलेज जा रहा हूँ आईआईटी पालकड़ में। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा यहाँ की व्यू, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू है दोस्तों यहाँ से। आप ये देख सकते हैं, यहाँ से हमारे कॉलेज दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे अगर आप लोगों को दिखाई दे तो मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ जो हिल टॉप में कुछ बिल्डिंग्स नज़र आ रहे हैं वो हमारे कॉलेज की बिल्डिंग है, और ये जो फैक्ट्री दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये है टेक्सटाइल मिल, इसके आगे हमारे कॉलेज है। यहाँ से व्यू देखो दोस्तों, यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। और ये जो पूरे वेस्टर्न घाट के हिल्स हैं, इसके जस्ट बगल में हमारे कॉलेज का पूरा परमानेंट कैंपस बसा हुआ है दोस्तों। एंड ये जो हिल टॉप पे दिखाई दे रहा है, ये हमारा ट्रांजिट कैंपस है। और दोस्तों यहाँ से देखो, एक ट्रेन भी गुजर रही है यहाँ से, ये जस्ट हमारे कॉलेज के बगल से गुजरती है रेलवे लाइन। तो मैं ले चलता हूँ आप लोगों को आगे अपना कॉलेज की ओर। ये जो बाउंड्री आप लोग देख रहे हैं, ये है एक टेक्सटाइल मिल का बाउंड्री, और ये जस्ट हमारे कॉलेज के बगल में है। तो दोस्तों, जिस रोड से मैं अभी वापस आ रहा हूँ अपना कॉलेज, इसको बोलते हैं मलमपुरा रोड। इस रोड में अगर आप लोग हाफ किलोमीटर और मोर देन 1 किलोमीटर अगर आप लोग पीछे जाओगे तो एक ब्यूटीफुल डैम है दोस्तों। अगर आप लोग आईआईटी पालकड़ आने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप लोग डैम विज़िट करने के लिए जा सकते हो, काफ़ी अच्छा प्लेस है घूमने के। तो मैं अभी अपने कॉलेज के एंट्रेंस तक पहुंच चुका हूं। अगर आप लोग कोयम्बटूर पालकड़ हाईवे से अगर आ रहे हो तो जस्ट 1 किलोमीटर के बाद आप लोगों को आईआईटी पालकड़ का एंट्रेंस मिल जाएगा दोस्तों। ये है हमारा एंट्रेंस के लिए स्ट्रीट, बट मैं यहां बाईपास रोड से जाऊंगा क्योंकि हमारे ग्राउंड्स इधर ही है दोस्तों। ये है बाईपास रोड टू इंटर इनटू द आईआईटी पालकड़। दोस्तों, क्या है कि हमारे परमानेंट कैंपस अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में है। ये रोड बेसिकली बनाया गया है जो कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स जो हैं, कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाने ले जाने के लिए, उसके लिए ये रोड यूज किए जाते हैं दोस्तों। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊँगा हमारे आईआईटी पालकड़ के प्लेग्राउंड। देखो, यहाँ से हमारा प्लेग्राउंड स्टार्ट होता है और यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स नज़र आ रही है आप लोगों को। ये है कुछ लैब्स है यहाँ पे और फैकल्टी केबिन वगैरह है। ये है हमारा फुटबॉल ग्राउंड दोस्तों, और इधर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे वॉलीबॉल ग्राउंड भी है। और अगर थोड़ी सी आगे देखोगे वॉलीबॉल ग्राउंड से तो आप लोगों को क्रिकेट प्रैक्टिस के लिए नेट भी लगाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे इसके आगे देखो जो व्यू आ रहा है यहाँ पे हिल का, वो काफ़ी अमेजिंग है। तो ये है हमारा फुटबॉल ग्राउंड ट्रांजिट कैंपस का।
और मैं अभी हमारे फुटबॉल ग्राउंड के आगे आ चुका हूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लैब्स वगैरह बने हुए पहले से, और अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड लैब भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। सो यहाँ से थोड़ी सी आगे जाओगे दोस्तों, तो वो जो आगे गेट नज़र आ रहा है एंट्रेंस, वो है हमारा ट्रांजिट कैंपस का एंट्रेंस। तो यहाँ से हमारे ट्रांजिट कैंपस का मेन गेट स्टार्ट होता है। सो ये है हमारा एंट्रेंस। सो यहाँ जस्ट आप लोग अगर लेफ्ट लोगे स्ट्रीट में, तो आप लोगों को एक मल्टीपर्पज ऑडिटोरियम दिखाई देगा, जिसको हम लोग अगोरा बोलते हैं। और ये ऑडिटोरियम में दोस्तों हर एक तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और इसके अंदर आप लोगों को इंडोर बैडमिंटन कोर्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और मैं अभी आ चुका हूँ अपना कैंपस के बिल्कुल बैक साइड ऑफ स्ट्रीट में। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग, ये जो सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये है आप लोगों का एकेडमिक्स ब्लॉक। इसमें जो है क्लासेस वगैरह लगती है यहाँ पे, और कुछ कंप्यूटर लैब्स वगैरह हैं यहाँ। तो ये है हमारे एकेडमिक्स ब्लॉक। यहीं पे हमारे क्लासेस वगैरह लगती है। और अगर आप लोगों को अंदर का व्यू दिखाऊं मैं थोड़ा सा, तो दोस्तों यहाँ पे देखो, जो हमारा परमानेंट कैंपस जो है उसका मैप यहाँ पे रखा गया है दोस्तों। तो ये जो देख सकते हो आप लोग, जो अभी मैं जिस कैंपस में हूँ ट्रांजिट कैंपस, वो सिर्फ इतना है दोस्तों। जो ट्रांजिट कैंपस जो है वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ, बट ये सारा जो है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से पूरे यहाँ तक का, वो अभी हमारे कंस्ट्रक्शन फेज में। चलिए मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ। और यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देख सकते हो, अगर आप लोग को लिक्विड कैश वगैरह चाहिए हो, तो यहाँ पे एक ATM भी है जिसका आप लोग यूज कर सकते हो।
आप लोग अगर एकेडमिक ब्लॉक के थोड़ा सा आगे आओगे तो यहाँ पे एक बिल्डिंग मिलेगी आप लोगों को। यहाँ पे जितने भी लैब्स वगैरह हैं वो सारा का सारा इसी बिल्डिंग में है। सो मैं अंदर नहीं जाऊँगा अभी, मैं आप लोगों को बाहर से दिखाता हूँ। कैंटीन अभी फिलहाल बंद है, ये लेट नाइट 12 PM तक खुली रहती है रात में। उसके बाद अभी 7:30 में मैं भी फिर से ओपन हो जाएगा ये कैंटीन। यहाँ से देख सकते हो ये कैंटीन का सीटिंग एरिया है, और यहाँ से मैं आप लोगों को कैंटीन से व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से भी काफ़ी व्यू, अच्छा व्यू आता है। ये देख सकते हो आप लोग, यहाँ बैठ के आप लोग काफ़ी टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ जो व्यू आता है वो कमाल का। ये हम लोगों का ट्रांजिट कैंपस नज़र आ रहा है यहाँ से दोस्तों। ये जो आगे बिल्डिंग्स नज़र आ रही है वो हमारे हॉस्टल्स एंड मेस का बिल्डिंग्स है, और ये जो मैं आप लोगों को सामने से दिखाया था लैब, अब यहाँ से हमारे हॉस्टल एरिया शुरू होते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर रखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं जंक्शन पे जो स्ट्रक्चर रखा हुआ है, इसका नाम है माइंड्स आई। सो यहाँ से अगर आप लोग राइट लोगे तो यहाँ से जो हॉस्टल दिख रहा है यह है आप लोगों का बैगसरी हॉस्टल। इसमें बीटेक के स्टूडेंट्स रहते हैं, और इसके बाद भी अगर आप लोग यहाँ से आगे जाके राइट लोगे तो आप लोग पहुँच जाओगे हिल टॉप पे, और वहाँ से दोस्तों जो व्यू आता है हिल टॉप से वो काफ़ी अमेजिंग है। ये जो फर्स्ट हॉस्टल यहाँ से लेफ्ट साइड में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये है दोस्तों गर्ल्स हॉस्टल तिलंग, इसका नाम है तिलंग गर्ल्स हॉस्टल। और थोड़ा सा आगे जाओगे यहाँ से तो आप लोगों को मिलेगा एक मेस, ये है हमारा मेस, और ये मेस है आप लोगों का, ये तिलंग ए गर्ल्स हॉस्टल और तिलंग बी बॉयज़ हॉस्टल के बीच में। ये है हमारा मेस, ब्रेकफास्ट के लिए प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पे। और देखो यहाँ से जो अगर मैं लेफ़्ट लेता तो तिलंग बी बॉयज़ हॉस्टल पहुंच जाता, बट मैं स्ट्रेट आ रहा हूं क्योंकि मेरा हॉस्टल है यहाँ वृंदावनी। सो मैं फाइनली अपना हॉस्टल पहुंच रहा हूं अभी। सो दोस्तों ये है मेरा हॉस्टल वृंदावनी, तो मैं अभी अपना हॉस्टल पहुंच चुका हूं।